हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ दीमक ट्रीटमेंट की सेकंड वीडियो के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है दीमक का। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप खुद ही वीडियो देख के समझ जाओगे क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपने मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो तो चलो पीसीसी की और एक स्टार्टिंग पॉइंट की थी, आप इसे चीजें कर सकते हो। अब आपके पास अगर थोड़ा बजट ठीक ठाक है, क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन मतलब लाइफ टाइम का हिसाब है ये कि आपको जब भी मन हो करने का ट्रीटमेंट आपने किया और फिर वो हुआ और वो ख़त्म। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है गया, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। एक तो सबसे पहले पाइप आते हैं पीवीसी के, जो कि मतलब वो लोग यूज करते हैं दीमक ट्रीटमेंट करने वाले, तो पीवीसी के पाइप होते हैं। जैसे कि आप पीवीसी के पाइप देख लो, ये पाइप प्लेन पाइप होते हैं। इनमें क्या करते हैं, जब लाते हैं, जो आप मान लो एक सपोज दैट आपका 10x10 का रूम हो गया, ठीक है, 10x10 का रूम, जब आप आपने जो नीचे का बेस बनाते हो ना, जब आप पीसीसी या पत्थर के लिए आप बेस बनाते हो जमीन में, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, तो जो आप ब्रिक बैलास्ट यूज करने से पहले, तो आप हल्के जो प्लिंथ फ्रेम के लेवल है उसको हल्का सा थोड़ा डाउन करोगे, मिट्टी वहां की निकालोगे और इस पाइप को अपने कमरे के चारों तरफ घुमाओगे। कमरे के चारों तरफ कैसे, क्या एल्बो लगाओगे, बेंड लगाना, जो भी लगा के आप चारों तरफ घुमाओगे कमरे के। 10x10 का रूम है, जैसे कि आप कमरे में देखो ये चारों तरफ घुमा हुआ पाइप है, ठीक है। अगर एक छोटे से बात कमरे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 10x10 के रूम में, तो आप चारों तरफ घुमा दी इस पाइप को। लेकिन इस पाइप को कैसे यूज करना, जब ये पाइप होता है तो प्लेन होता है, इसमें छेद किए जाते हैं, छेद किए जाएंगे काफी, मतलब 4-4, 5-5, 6-6 इंच की दूरी पे, एक मतलब छोटे छोटे पतले पतले छेद किए जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो इमेज में, तो इस तरह छेद होंगे। फिर इस पाइप को लगाने से पहले इसके ऊपर एक जो है मेस यूज की जाती है, जैसे ये आपको मेस दिख रही है, ये फाइबर मेस होती है, ये मिस यूज किया था, जिससे कि गंदगी या फिर कोई भी मिट्टी विट्टी ज्यादा इस पर घुसे ना और ज्यादा इसको दिक्कत ना हो उस चीज़ से, कि एकदम ब्लॉक हो जाए वो चीज़। तो इसलिए कवर एक दिया था, प्रोटेक्शन दिया था पाइप को होल के लिए। तो मिस लगाने के बाद फिर आप इस पाइप को चारों तरफ रूम के डालोगे, फिर उस रूम में एक उसका पोर्सन बनाओगे, एक उसका इनलेट या आउटलेट कुछ भी कह लो आप, इनलेट कह सकते हो, इनलेट एक बनाना है, जैसे आपको होता ना जैसे बिजली वाले जो बॉक्स होते हैं उसी तरह का एक बॉक्स यहाँ पे लगाया जाएगा, जैसे आप इमेज में देख रहे हो। और इसमें जो भी इनके फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो भी होंगे, ये दोनों पॉइंट एक कमरे के दोनों यहाँ निकले होंगे, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट, एक होगा लास्ट पॉइंट, जो एक कमरे से होते हुए घूम के आया है, तो दोनों एक ही बॉक्स पे मर्ज होके यहाँ पे आएंगे। इन दोनों पॉइंटों का आप यूज किया है इसमें, क्यों ये बॉक्स बनाया गया, देखो बॉक्स है कि एक पोर्सन आपको दे दिया गया कि कभी भी आपको ट्रीटमेंट करना हो इन फ्यूचर, तो बॉक्स को आपने यहाँ पे, अब बिजली का आप चाहे बॉक्स ऊपर से प्लेट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, लोग जो देखने वाले होंगे उनको लगेगा यार बिजली का कोई बॉक्स है, लेकिन वो बिजली का है, डमी टाइप में रहेगा, उसको जब आपको निकालना हो निकाला, आपने आपने मोटर से उसको वहाँ पे मतलब फिक्स कर दिया, आपको जो ट्रीटमेंट करने वाला होगा वो ट्रीटमेंट करके चला जाएगा। तो एक तरह से बॉक्स फिक्स हो गया कि एक एरिया दे दिया कि ये जो है इस कमरे का एक सेपरेट बॉक्स है, यहाँ से हमको ट्रीटमेंट करना है इस कमरे में। तो अब इसका फायदा क्या है, अब आप देखो ये पाइप है, होल किए गए हैं, फाइबर में चढ़ाई गई है, एल्बो से बेंड करके पूरे एक रूम में घुमा दिया गया। अब इसमें करता गया है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपने पाइप लगाया और एक जो केमिकल आपको डालना हो, केमिकल कई सारे आते हैं इसके, जैसे ये यहाँ पे देखो ये यूज हुआ है ना, तो बहुत ही अच्छे अच्छे केमिकल भी और भी हैं, वो सब केमिकल आप पानी में मिक्स, जो भी आपका रेशियो हो कि इतने पानी में इतना मिक्स करके उसको क्या करना है, फिर ये मोटर से आपको दिख रहे ना, इस मोटर के थ्रू पानी सक किया आता है केमिकल या दवाई मिलाने के बाद, उसको सक करके इस पाइप के थ्रू अंदर उन पाइपों में भेजा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग जस्ट आपको दिखाया गया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब ये आपको खाली सैंपल है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट तो बाद में भी हो जाएगा और बाद में भी करते हुए लोग हैं, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए है कि इस तरह से होगा। तो जब यहाँ से पानी उस मोटर के थ्रू प्रेशर के थ्रू भेजा जाएगा, तो क्या है कमरे के आधे एरिए में जहाँ तक होगा इसका एरिया प्रेशर रहेगा, वहाँ तक ये पानी निकलता रहेगा धीरे धीरे, और पानी जो है जमीन में सक करता रहेगा, सूखता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी दीमक के जो केमिकल होगा उसकी जो स्मेल होगी उसके थ्रू जो है, और इसका जो है दीमक का जो वो केमिकल का असर होगा, उससे आपकी दीमक यहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर जो बचा आधा एरिया, तो यही पाइप हटा के दूसरे वाले पॉइंट में लगा दिया आपने, तो उधर से जो बचा हुआ एरिया है वहां तक कवर हो गया। और नहीं तो अगर आपके पास दो मोटर है तो दो मोटर लगा दो, तो उससे बहुत अच्छा प्रेशर बन जाएगा, तो उससे पूरे कमरे में एक साथ ही पानी इस तरह बेहतर रहेगा, और जो है इसमें जो छेद छेद हैं छोटे छोटे, इनसे पानी निकल के बाहर पूरे उसमें मिट्टी में फैलता रहेगा। तो सबसे अच्छा ये लगता है इसमें,
कि आपको जब भी मन होगा तब भी आप कर सकते हो, करवा सकते हो। उसमें और सब चीजों में क्या है कि आपने एक बार कर दिया तो फिर उसके बाद आप कुछ पत्थर तोड़ के कुछ नहीं कर सकते। आपने ये प्रोसेस कर दिया, फिर आप इसमें रेत डाल दो, अच्छा इसका फिर ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस आपने कर लिया, अब इस पर क्या करना है, इसको मिट्टी की काफी जो भी मिट्टी नॉर्मल मिट्टी होगी उससे करीब 5-6 इंच नीचे ही डाउन रखना, क्योंकि यार पाइप टूटने का डर रहता है यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे देखो ये लोग जो होते हैं ये पीवीसी का पाइप यूज करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा उनसे बात करो तो आप कोशिश करो कि पीवीसी का देखो हल्का पाइप होता है, अगर बहुत ही हल्का पाइप है, नॉजिक पाइप है, तो यहाँ पे क्या मान लो इन केस कोई भी बाई चांस किसी ने कुछ ईंटा फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया और बाई चांस कहीं टूट गया पाइप, तो फिर दिक्कत है इसमें, फिर तो इस चीज का फिर कोई फायदा नहीं ट्रीटमेंट करने का। तो पीवीसी की बहुत ज्यादा केयर कर लो कि उसे अपने सामने पूरी मिट्टी डलवा लो, अच्छे से प्रेस करवा लो तो ठीक है, नहीं तो एक शक रहता है कि यार कहीं पाइप टूट ना गया हो। तो इस केस में आप कोशिश करो उनसे बात करो कि सी पीवीसी के पाइप कर लें या फिर यू पीवीसी के पाइप ले लें, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, आप थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कैसे क्या करवाना है, उसमें होल करा के तब ये करो। अब सी पीवीसी या फिर यू पीवीसी का पाइप होगा तो भाई बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ उसका, थोड़ी थिकनेस भी अच्छी हो जाएगी तो और मजबूत ही होगी, फिर उससे जल्दी मान लो ईंटा कोई उस पर पड़ता भी तब भी थोड़ा रहेगा, चलो हाँ जल्दी टूटेगा नहीं, वो इतना मजबूत तो होता ही है सी पी वी सी और यू पी वी सी, तो उसमें थोड़ा चांसेस नहीं है खराब होने के पाइप के, तो वो पाइप यूज करो। ये जो पी वी सी पाइप यूज करते हैं तो ये लोग बस अपना थोड़ा बचत करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप कोशिश करो अपने यहाँ से बात कर लो, जो भी रेट कम ज्यादा करवा के जो भी बढ़ा के जैसा जो हो, तो आप कोशिश करो सी पी वी सी या फिर यू पी वी सी यूज करवाओ इनसे, तब उसमें होल करके तब ये आप उसको नीचे अंदर फिक्स कराओ। इसके बाद फिर क्या करना है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए इसको आप नीचे पाइप दबा दो, ठीक है, दबाने के बाद फिर क्या करना है, इस पे मिट्टी डाल दिया, मिट्टी डालने के बाद फिर इसमें रेत आपको भाई जो सैंड या फिर बालू उसको आपको ऊपर लगाना है। अब बालू कैसे डालनी है ये ध्यान रखना, बालू डालने से पहले भी एक ट्रीटमेंट कर लो, और थोड़ा सा जब इतना हो रहा तो थोड़ा सा हो सही। यहाँ पे क्या किया गया है, आपने रेत अभी नहीं डाली, ये तो खैर यहाँ पे रिप पड़ गए थे इसलिए मैंने हटवा के फिर दोबारा दिखाने के लिए आपको कि इस तरह ट्रीटमेंट करना है आपको। वो पाइप अंदर पड़ चुका है, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो चुका था पहले मिट्टी में, अब जो मिट्टी में ट्रीटमेंट साइड साइड में तो हो गया, बीच में थोड़ा सा बाकी रह गया, तो यहाँ भी आप उसी टाइम कर ही लो। तो यहाँ पे क्या है, वही पुराना प्रोसेस कि आप होल करके जो भी आपका केमिकल होगा उसको मिक्स करके इसमें आपको इस तरह फिल करने हैं गड्ढे करके, तो इससे क्या होगा जो भी बीच का एरिया जहाँ पे वो साइड से पानी नहीं जा पाया होगा तो यहाँ पे दीमक का जो है तेल का असर हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर आपको जब इतना पूरा ट्रीटमेंट हो चुका पूरे आपके एरिया में कमरे में, फिर क्या है, रेत की लेयर आपको कम से कम 2 से 2.5 इंच या 3 इंच डाल दो आप। जब 2-2.5 इंच की आप लेयर डाल लोगे उसके बाद आपको ये जो ब्रिक बैलास्ट है ये आपको तोड़ के यहाँ पे लगाने हैं, फिर आपको प्रेस करवाने हैं, फिर प्रेस करने के बाद फिर जो भी अच्छे से कुटाई करके उसको बराबर लेवल करके जो भी आपको पीसीसी डालनी है पीसीसी कर दो, और पीसीसी भी करने के बाद बढ़िया से फिर जो पत्थर लगाना हो या फिर टाइल लगानी हो वो लगाओ। और एक चीज ध्यान रखना हरदम कि जो स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग जब आप पत्थर या टाइल के लगवाते हो तो स्कर्टिंग के पीछे जो मसाला होगा ना उसको अच्छे से फिल कराना, क्योंकि दीमक जो देखो फर्श के बीच से तो आएगी नहीं तोड़ के, भाई वहां तो टाइल लगी है फर्श वो पत्थर लगा हुआ है, दीमक कहाँ से आती है, हरदम कॉर्नर से, वो कॉर्नर ही पकड़ती है कोने दीवार का, तो वहां पे अगर कहीं गैप स्कर्टिंग के पीछे कोई मसाला छूट गया वहां से, जैसे ये टाइल का देखो पोर्शन है ना टाइल के पीछे गैप रहा होगा तो यहाँ से निकल के ये को दीमक ऊपर आएगी, उसी तरह सबके केस इस सब केस में भी हो सकता है, अगर स्कर्टिंग में आपने ढंग से मसाला नहीं लगवाया है या फिर टाइल की जो स्कर्टिंग है यहाँ पे ढंग से मसाला नहीं लगवाया है तो इससे भी दीमक आपकी ऊपर निकल के आ सकती है। तो इतना सब ट्रीटमेंट कर लो अच्छे से तसल्ली से, फिर कुछ जल्दी होने वाला नहीं है, और जब भी आपको लगे इन फ्यूचर देखो उसमें चौखट में तो करना ही करना है आपको ब्लैक जापान और जो दीमक तेल लगाना है बैक साइड पे, तो आप चौखट जाम करो इसको, लेकिन इस केस में क्या है आपको यह है कि मैं जब भी हमको लगेगा कि दीमक लग रहा है कुछ असर हो रहा है तो आपने क्या किया उसको बुलाया दीमक वाले को, वो अपने ट्रीटमेंट करके बॉक्स उसने खोला इसने ट्रीटमेंट करके चला जाएगा, तो फिर तुरंत तसल्ली हो जाएगी हाँ जो भी ट्रीटमेंट हुआ फिर दोबारा हो चुका है हमारे यहाँ। लेकिन और सब केसों में क्या है कि यार एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो फिर लाइफ टाइम फिक्स है वो, इसका आप तो है नहीं पत्थर तोड़ के फिर दोबारा खोद के उसको लगाओगे, इसमें क्या है आप पाइप नीचे पड़े हैं आपने खाली प्रेशर पाया वो केमिकल को पानी में मिक्स किया मोटर के थ्रू उसको जो है प्रेशर के थ्रू अंदर पाइप के अंदर डाल दिया और पाइप से होते हुए छेद के थ्रू वो पानी के थ्रू अंदर जो है चला गई केमिकल। तो ये काफी सरल बहुत ही अच्छा मेरी नज़र में ट्रीटमेंट है और बहुत सही भी है। तो आप देखो आपको पसंद है या नहीं,
और बस ये है केमिकल थोड़ा सा अच्छा लो आप इसमें, और केमिकल ध्यान रख लो कौन सा कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छा केमिकल है। और एक वैसे कुछ नाम है जो मैं दे दूंगा यहाँ पे आपको, देख लेना कि इस तरह के केमिकल आप यूज कर सकते हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।